हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं एमफेसिस सैलरी के रिगार्डिंग। सो हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं कि एमफेसिस सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पे कितनी होती है और आफ्टर ट्रेनिंग कितना आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ यार एमफेसिस के बारे में, सो इंडियन एमफेसिस कंपनी है एमफेसिस, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है और 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। सो अभी 2021 डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30,000 एम्प्लॉयज हैं एमफेसिस में। सो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एम्फेसिस के। सो देखिए ट्रेनिंग एम्फेसिस में 3 से 4 महीने की होती है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने महीने की ट्रेनिंग रखते हैं आपके लिए, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है यार कि मैं बेस लेके चल रहा हूँ 3.25 LPA का। सो उसके बेस पे मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी कितनी मिलती है। सो ट्रेनिंग टाइम पे 16 से 17 हज़ार के बीच में इनहैंड सैलरी आपको मिलेगी। सो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको 21 से 22 के अराउंड मिलने स्टार्ट हो जाएगी सैलरी इन हैंड। सो यही है यार कि मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे कम रहता है क्योंकि बोनस वगैरह और ढेर सारी चीज़ें होती है जो आपको प्रोजेक्ट में जाने के बाद मिलती है, वो सब नहीं मिलता। प्लस कुछ और कट ऑफ्स होते हैं उसकी वजह से आपको सैलरी कम मिलती है। सो आपको इन हैंड सैलरी जब आप ट्रेनिंग पे होंगे तब मिलेगा 16 से 17 हज़ार के बीच में। और वही अगर मैं बात करूँ आफ्टर ट्रेनिंग, सो वो आपको 21-22 के बीच मिलेगा, यही रेंज रहेगा। सो ये बेस था 3.25। सो देखिए कुछ लोगों को 4 LPA भी मिलता है, बट उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में नहीं बात कर रहा हूँ। बस 3.25 जो मैक्सिमम लोगों को मिलता है उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। सो आप सबको आइडिया लग गया होगा कि कितनी सैलरी मिलेगी आप सबको। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।